पेट होने के बाद है चले हैं, आप भी बैठे हो, जो मांग है जायज है और मांग सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि शांति बनाए रखें, सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है और इस मुद्दे को राजनीतिक हवा दे। गणपत जी बेटा गप से बैठो। ये दो बात का निवेदन है कि हनुमान जी की शरण में आज सांसद जीतने के बाद में दूसरी मीटिंग थी, जब दूसरी मीटिंग के अंदर हमने यही कहा था कि हमारे आज लोकसभा के और विधानसभा के दोनों प्रतिनिधियां हैं, दोनों प्रतिनिधियां पर हैं, तो तीन साल में आज दूसरी दफे जब जीते थे उस टाइम में एमपी साहब आए थे और सेकंड मीटिंग आज हुई है। कार्यकर्ताओं में रोष था, कार्यकर्ता हमें कहते थे हमने वोट लेके गांव तक पहुंचे हैं घर घर, उस समय भारतीय जनता पार्टी का पूर्व मंडल अध्यक्ष था। नहीं, कार्यकर्ताओं को किस बात को लेकर के रोष चल रहा है पार्टी के प्रति? कोई काम ही नहीं हो रहा है। एमपी साहब कब आते हैं, कब जाते हैं, कार्यकर्ता कहेंगे? जब समृद्धि के अंदर आबादी की बात है, पुलिया की बात है, रोड की बात है, तो किसको कहें? एमपी और एमएलए को नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे? आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि बीजेपी को समर्थन देने के बाद में आपको अब लग रहा है गमखगा महसूस कर रहे हैं? तो यही राय उन्होंने कहा है, आपने वोट नहीं दिया था, आपको अधिकार नहीं, मैं वोट के आ गए। हमारे पुराने मंडल अध्यक्ष को ये वोट के दिया तो बात ही कह रही, उनके दिमाग में अभी तक बीजेपी की जो जन्मजात कार्यकर्ता बीजेपी के है और वो सोच रहा कि हमारे को वोट नहीं दिए तो हमारे को वहाँ खड़ा रहने का क्या हक है, वहाँ बैठने का हक ही नहीं है, इसलिए हम बाहर आ गए। जो हमारा सीनियर लीडर है एमपी को तो मालूम ही नहीं है इनका कार्यकर्ता कौन है, इनका कार्यकर्ता कौन है तो मालूम ही नहीं है, कार्यकर्ता है कौन? हमारा बहुत पुराना कार्यकर्ता।